गुड एवरीवन, आज अपन लेके चल रहे हैं हमारी इसी बाइक को क्या करवाने, हैजार्ड स्विच इंस्टॉल करवाने, जिसमें सारे के सारे इंडिकेटर्स आगे के दो और पीछे के दो साथ में लग जाएंगे। अभी तो नॉर्मल इंडिकेटर का सेटअप है क्योंकि हर बाइक में हर स्कूटी में आता ही है। यहाँ पर हम एक स्विच ऐड करवाएंगे जिसको ऑन करते ही चारों एक साथ लग जाएंगे और ऑफ करते ही नॉर्मल सेटअप हो जाएगा। तो फटाफट से पहले स्विच लेने चलते हैं और उसके बाद अमीर भैया के पास चल के ये पूरा काम करवाते हैं। अगर अभी तक एग्जॉस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। सो गाइस, हम आए हैं PZ बाइकर्स पॉइंट हमारे समीर भैया के यहाँ पे। समीर भैया हेलो करो। तो फटाफट से हम अपनी बाइक की फेयरिंग की ओपनिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंड हैजार्ड इंस्टॉल करवा लेते हैं। स्विच हमने ले लिया था, ये वाला नॉर्मल स्विच है जो कि आपको आई गेस कॉस्ट कर जाएगा 100 रुपीज के अंदर में। काफी दुकान वाले इसको 50 में भी देते हैं। तो सबसे पहले अपन अपनी बाइक की फेयरिंग ओपन करवा देते हैं, बिकॉज इंडिकेटर का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ अंदर की तरफ से। अंदर की साइड में जो इंडिकेटर का सेटअप होता है, इस प्लग के अंदर में हमने एक वायर डाल दी है एंड यहाँ पे हम सेकंड वायर भी अभी इंस्टॉल करने वाले। तो उससे पहले इस वाली वायर को थोड़ा सा रैप कर देते हैं। कुछ ऐसा प्लग आपको देखने को मिलता है, कौन से वाले में डालना है? ये प्लस वाले में डालना है। एक तो माइनस होता है, हाँ। एक्टिंग वाले में नहीं डालना है, प्लस वाले में डालना है। तो गाइस, सेकंड वाली फेयरिंग का भी यहाँ पर टोटल काम हो चुका है। ये वाली वायर बाहर आ चुकी है प्लस वाले सेक्शन के अंदर से। और एक बहुत अच्छी बात हुई है, जो मैंने आपको बताया था कि फेयरिंग ओपन करनी पड़ी थी, यहाँ पर हमको ये नहीं करना पड़ा। समीर भैया ने अंदर वाली जो थोड़ी सी सेमी फेयरिंग है उसी को ओपन करके ये सारा का सारा काम कर दिया है। अब दोनों साइड से वायर आ गई है, तो अब बस एक स्विच फाइनल कनेक्ट करना है और उसके बाद हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस स्विच रेडी हो चुका है, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों लगना स्टार्ट हो गई है, पीछे से भी दिखा देते हैं, आगे से भी। स्विच दबा दो, ये वापस नॉर्मल इंडिकेटर हो चुका है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लीन, आपके सामने कुछ भी कटिंग नहीं हुई है, पूरा सेटअप हमारे सामने है। तो अब बस अपन इस स्विच को यहाँ पर ही प्लेस कर देते हैं एंड दैट्स इट। सो गाइस, काफी देर के बाद में हमारी बाइक टोटल यहां पर रेडी हो चुकी है। एज यू कैन सी, अभी हजार्ड ऑन है, दोनों इंडिकेटर लग रहे हैं फ्रंट के भी एंड रियर साइड में भी। तो इसी टाइप के कुछ अच्छे काम के लिए आप आ सकते हैं समीर भैया के पास में, PZ बाइकर पॉइंट। यहां पर आपको नंबर भी देखने को मिल गया है, कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्टली इनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में जो कि बाइक से रिलेटेड हो, चाहे एग्जॉस्ट हो, चाहे एसेसरीज हो, या इस टाइप के छोटे मोटे काम हो, चाहे कोई भी एक्सटर्नल लाइट्स इंस्टॉलेशन हो, आप किसी भी काम के लिए इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो? क्योंकि कोई भी वायर कट नहीं हुई है। ऑल्सो गाइज, नॉट टू मेंशन, बट ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ 50 रुपीज के अंदर में हुआ है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, स्विच हमको इतने का ही पड़ा है। बाकी जो लेबर है वो छोटी से बड़ी गाड़ी तक थोड़ा थोड़ा सा वेरी करता रहता है। जैसे इस टाइप की बाइक के अंदर में आपको 150 से 200 रुपए लेबर लग जाता है।